दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अनलॉक होते ही ड्रग तस्कर राजधानी दिल्ली में सक्रिय होने लगे हैं। द्वारका जिला के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने ऐसे ही एक ड्रग तस्करी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए 90 किलो गांजा की बरामदगी की है। इस मामले में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल DCP शंकर चौधरी के अनुसार गांजे की खेप को नजफगढ़ धर्मपुरा के रहने वाले एक शख्स ने प्लानिंग करके मंगवाया था, लेकिन इनकी भनक एंटी नारकोटिक सेल के टीम को लग गई। ACP ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में सीनियर इंस्पेक्टर राम किशन की टीम ने गांजा तस्करों के बारे में पता लगाया, लोकेशन ट्रैक किया और फिर छावला इलाके के रेवला खानपुर के पास ट्रैप लगाकर पकड़ लिया। पुलिस टीम ने कार में नारायण सिंह उर्फ मोनू, सोनू चौहान और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह तीनों उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाले हैं। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में अब आगे की कार्रवाई करते हुए उसका पता लगा रही है जिसने इस गांजे की खेप को उड़ीसा से मंगवाया था। इस टीम के एंटी नारकोटिक सेल ने ACP विजय सिंह के नेतृत्व में हमेशा कोशिश रही है कि जितने भी ड्रग्स के मामले हैं उन पर लगाम लगाई जाए। ऐसी दिशा के तहत एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर और इंटरसेप्शन के आधार पर एंटी नारकोटिक सेल ने प्रेरणा बस्ती झटिकला रोड नियर रेवाला खानपुर विलेज जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पर एक वैगनार कार को रोका और उस कार में जिसके बारे में सूचना मिली थी कि इससे गांजा ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इसमें 3 लोगों को पकड़ा गया जिसमें एक का नाम नारायण सिंह, दूसरे का नाम सोनू चौहान और तीसरे का नाम संजय सिंह है। ये 30 साल, 26 साल और 30 साल के हैं। ये ओरिजिनली कासगंज UP के रहने वाले हैं और ये जो गांजे का रिकवरी हुआ ये बड़े ही तरीके ढंग से हुआ। ये कार के बोनेट्स में और कार के डोर्स में इनको छुपाया जाता था। स्क्रूज को खोलकर प्रॉपर थॉरो सर्च करके अराउंड 90 किलो गांजा पकड़ा गया है। ये एक बड़ी कैच है और इससे आगे की पूछताछ से ये भी पता चला कि इसमें जो गाड़ी है वो एक संगीता नाम की लड़की से प्रोक्योर की गई है। उस पर भी कार्रवाई चल रही है और ये पता चला कि ये एक कोई गुरमीत है जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है। ये गांजा मंगवाया करता था इन तीनों से। इनमें से जो संजय सिंह है वो गुरमीत सिंह का अपना भाई है और इन दिनों की गिरफ्तारी और रिकवरी के बाद 20-25 NDPS एक्ट के तहत इनका मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी।